हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आप लोगों का एक बार फिर से मुस्कान आनंद ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आपको खिचड़ी बनाना बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने भगोना लिया, उसमें तेल डाल दिया है। ये तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं जीरा डालूंगी। ये देखिए, ये सारे मसाले रेडी है। ये है जीरा, ये है हींग, ये हल्दी है, और ये गरम मसाला है, और ये सब्जी मसाला है। अब इसमें मैं पहले जीरा डालूंगी, हींग डालूंगी। ये देखिए गाइस, जीरा पड़ चुका है। प्याज पड़ चुका है। ये देखिए गाइस, इसमें अब अदरक डालेंगे। मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि इसमें स्मेल आने लगती है। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब इसमें हींग डालेंगे। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे। गाइस, मेरा प्याज हल्का ब्राउन होने तक पक चुका है। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये जल जाएगा। अब इसमें मैं हल्दी डालूंगी और सब्जी मसाला डालूंगी। अब इसमें आलू डालूंगी और टमाटर और मिर्च एक साथ ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। अब इसमें मैं नमक डालूंगी थोड़ा, जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। नमक, ये देखिए गाइस, मेरे टमाटर ये फ्राई हो रहे हैं। इसको अच्छे से पका लेंगे। जब तक टमाटर पक नहीं जाए तब तक उसको अच्छे से पकाएंगे, टमाटर और सारी सब्जियों को। उसके बाद राइस ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, अब इसमें मैंने चावल ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। ये देखिए गाइस, इसमें मैंने पानी भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, चला देंगे अच्छे से। ये देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको अच्छे से मैंने चला दिया। अब इसको ढक के हाई फ्लेम में पकने देंगे थोड़ी देर। उसके बाद लो फ्लेम कर देंगे। ये देखिए गाइस, मेरी खिचड़ी पक रही है। कितनी अच्छी देखिए, देखने में लग रही है। अभी थोड़ी थोड़ी पक चुकी है। ये देखिए, अभी इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक इसका पानी ना सूख जाए। देखिए गाइस, मेरी खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। ये देखिए गाइस, ये मेरा माठा है। इसको मैंने झोंक लिया था। अब मैं खिचड़ी को सर्व करूंगी। ये देखिए गाइस, मेरी खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।